अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप खुद। आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रिक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते। आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेषित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज्यादा चीजें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है।